औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामईन। आज की वीडियो का मौजू है मज़हब और साइंस में तल्लुक। आज का दौर साइंसी आलूम के मेराज का दौर है। साइंस को बजाय तौर पर असली इलम यानी कंटेम्प्रेरी नॉलेज से तबीर किया जाता है। लिहाजा दौर हाजर में दीन की सही और नतीजा खेज अशात का काम जदीद साइंसी बुनियादों पर ही बेहतर तौर पर सर अंजाम दिया जा सकता है। बनाए बरी इस दौर में इस अमर की ज़रूरत सदियों से कहीं ज़्यादा बढ़कर है कि मुस्लिम माशरों में जदीद साइंसी आलूम को तरवीज को फ़रोग दिया जाए और दीनी तलीम को साइंसी तलीम से मरबूत करते हुए हकानियत इस्लाम का बोल बाला किया जाए। चुनाचे आज के मुसलमान तालब इलम के लिए मज़हब और साइंस के बाहमी तल्लक को कुरान और सुन्नत की रोशनी में समझना आज बस ज़रूरी है। मज़हब खालिक यानी क्रिएटर से बहस करता है और साइंस अल्लाह ताला की पैदा करदा खल्क क्रिएशन से। दूसरे लफ्ज़ों में साइंस का मौजू खल्क और मज़हब का मौजू खालिक है। यह एक करीन फहम व दानिश हकीकत है कि अगर मखलूक पर तदबर व तफक्कर और सोच बचार मस्बत और दुरुस्त अंदाज में की जाए तो इस मस्बत तहकीक के कमाल को पहुँचने पर लामहला इंसान को खालिक की मार्फत नसीब होगी और बे इख्तियार पुकार उठेगा, रब्बाना मा खलकता हाजा बातिला, ए हमारे रब तूने ये सब कुछ बेहिकमत और बेतदबीर नहीं बनाया। बंदा मोमिन को साइंसी उलूम की तरगीब के जमन में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम मजीद में एक और मकाम पर यूं इरशाद फरमाया, हम अनकरीब उन्हें कायनात में और उनके अपने वजूद के अंदर अपनी निशानियाँ दिखाएंगे यहाँ तक कि वह जान लेंगे कि वही हक है। इस आयत करीमा में बारी ताला फरमा रहे हैं कि हम इंसान को उसके वजूद के अंदर मौजूद दाखली निशानियां इंटरनल साइंस भी दिखाएंगे और कायनात में जा बजा बिखरी खारजी निशानियां यानी एक्सटर्नल साइंस भी दिखाएंगे, जिन्हें देख लेने के बाद बंदा खुद ब खुद बेताब होकर पकार उठेगा कि हक सिर्फ अल्लाह ही है। दौरे हाजर का अलमिया। कुरान मजीद में कमो बेश हर जगह मज़हब और साइंस का इकट्ठा जिक्र है, मगर ये हमारे दौर का अलमिया है कि मज़हब और साइंस दोनों की सियादत और सरबराही एक दूसरे से ना आशना अफराद के हाथों में है। चनाचा दोनों गुरू अपने मुद्दे मुकाबल दूसरे इलम से दूरी के बायस अपने मुखालिफ और मुतजाद तसव्वुर करने लगे हैं, जिसे आमतुन्नास कम इलमी और कम फहमी की वजह से मज़हब और साइंस में तजाद और तखालफ यानी कॉन्फ्लिक्ट और एंड कॉन्ट्राडिक्शन समझने लगते हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। मगर भी तहकीकात इस अमर का मुसलमा तौर पर इकरार कर चुकी है कि जदीद साइंस की तमाम तर तरक्की का इन्हिसार कुरान के मुसलमान साइंसदानों की फ्राहम करदा बुनियादों पर है। मुसलमान साइंसदानों को साइंसी नहज पर काम की तरगीब कुरान सुन्नत की उन तालीमात ने दी है, जिनमें से कुछ का तज़किरा गुज़श्ता सफहात में गुजर चुका है। इसी मंशाए रबानी की तकमील में मुस्लिम साइंसदानों ने हर शोबा इलम को तरक्की दी और आज अग्यार के हाथों वो अलूम अपने नुक्ता कमाल को पहुंच चुके हैं। शोम किस्मत के जिन साइंसी अलूम व फ़नून की तश्कील और उनके फ़रोग़ का हुक्म कुरान हदीस में जा बजा मौजूद है और जिनकी इमामत का फरीज़ा 1000 बरस तक खुद बगदाद, राय दमिश्क, अस्कंदरिया और अंदलस के मुसलमान साइंसदान सर अंजाम दिए चले आए हैं, आज कुरान और सुन्नत के नाम लेवा तबके अर्जी पर बिखरे अरब भर मुसलमानों में से एक बड़ी तादाद उसे इस्लाम से जा जुदा समझकर अपनी तजद्दद पसंदी का सबूत देते नहीं शर्माती। साइंसी उलूम का वो पौधा जिसे हमारे ही अजदाद ने कुरानी उलूम की रोशनी में परवान चढ़ाया था, आज अग्यार उसके फल से महफूज हो रहे हैं और हम अपनी असल कीमत से रूगरदा होकर दियारे मगरिब से उन्हीं अलूम की भीख मांग रहे हैं। आज एक तबका अगर इस्लाम से इस हद तक रूगरदा है तो दूसरा नाम निहाद मजहबी तबका साइंसी अलूम को अजनबी नज़रियात की पैदावार करार देकर उनके हसूल की राह में सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। मजहबी और साइंसी अलूम में मागरियत का यह तसव्वुर कौम को दो वाज़ह हिस्सों में तकसीम कर चुका है। नस्ल नू अपने अजदाद के साइंसी कारहाए नमाया की पैरवी करने या कम अज़ कम उन पर फ़ख्र करने की बजाय जवाल मस्कनत के बायस अपने इल्मी, तारीखी और साइंसी विरसे से इस कदर लातल्लुक हो गई है
کہ خود انہی کو اسلام اور سائنس میں عدم ماغریت پر قائل کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ تھینک یو۔